पेपर आता है डीएल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और हिंदी मीडियम का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर सेट आप देख सकते हैं सी है। और यहाँ पे आप देखिए फटाफट आंसर की आपको बताएंगे हम, ये शॉर्टेस्ट आंसर की होगी, कोई एक्सप्लेनेशन होने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग जो है लगातार यूट्यूब पर हमारा वेट कर रहे हैं आंसर की के लिए। दो या तीन पार्ट में वीडियो हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहते, ओके। बट 100% करेक्ट आंसर बताने की पूरी कोशिश आपको रहेगी हमेशा की तरह से, चाहे यदि कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो, ओके। तो ये खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पे है, ये पटना में है, बिहार के कैपिटल का पटना। उसके बाद दूसरा कहता है COVID-19 का प्रकोप बिंदु जो शहर है वो है था वुहान चाइना में, ये यहीं से शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में। ओके, अशोक चक्र में तिल्लियाँ कितनी होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। और उसके बाद IPL 23 के एक मैच में एक ही ओवर में 5 छक्के लगाने वाले रिंकू सिंह, जो कि यूपी के रहने वाले हैं अलीगढ़ के आसपास, और ये कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छठा देखिए, किस क्षेत्र में योगदान के लिए कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, कुरियन तो ये डेयरी, ओके, डेयरी उद्योग के लिए, दूध उत्पादन के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में कितने भाग हैं, तो इसका आंसर आपका होगा 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तत्कालीन वाइस चांसलर सैफुद्दीन साहब हैं, तो 8 का बी हो जाएगा आपका। 9 देखिए, विश्व शिक्षक दिवस हम कब मनाते हैं, हमारे यहाँ से शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ओके। 11 नवंबर का आपको पता है नेशनल एजुकेशन डे, मौलाना आज़ाद का जन्मदिन है, ओके। 10वां देखिए, किस बंदरगाह का नाम बदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया, कांडला पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में, ज्वारी बंदरगाह है। उसके बाद 11वां, 2022 में आयोजित 71वां मिस यूनिवर्स खिताब किस देश की महिलाओं को मिला था, तो ये थी आपकी USA की, नाम इनका क्या था, बोनी गैब्रियल, हर बोनी गैब्रियल ऐसे कुछ नाम था इनका। और इससे पहले 2021 में तो हना संधु को मिला ही था इंडिया की। 12वां देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो 14वें नंबर के, ऑप्शन सी करेक्ट है। और उसके बाद चलते हैं 13वें नंबर सवाल पे, शशि मलिक, साक्षी मलिक को गलत लिख दिया, शशि मलिक रेसलिंग से रिलेटेड हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, फिलहाल धरने पे बैठी हैं जंतर मंतर पे। 14वें नंबर देखिए, पुस्तक द ग्रेट इंडियन नोवल किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपकी शशि थरूर ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 15th G20 संगठन की स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1999, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। और उसके बाद नंबर आता है 16वां, स्कूली शिक्षा के लिए 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस संस्था द्वारा अधिकल्पित है, NCERT ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। 17वां नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका पेरिस में। और यू कम फर्स्ट किसकी टैगलाइन है, आदर्श वाक्य है गोयर का। आगे चलिए 19 देखिए, बंगबंधु के नाम से कौन मशहूर हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी करेक्ट है। 20, कुनूर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और किस लिए फेमस है, चीता के लिए, ओके। नामीबिया से ला करके प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे चीता छोड़े थे, और ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 21वां नंबर, AI आधारित मॉड्यूल लॉन्च करने के लिए किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसने एग्रीमेंट किया है, तो ये किया है आपका नासकॉम ने। नेक्स्ट इज 22, 22वां नंबर देखिए, कौन सी संस्था मशहूर शिक्षावद जिद्दू कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन पर आधारित है, तो ये स्कूल कहलाते हैं ऋषि वैली स्कूल, आंध्र प्रदेश से हैं बेसिकली। 23वां नंबर देखिए, प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म किंग रिचर्ड किस खिलाड़ी की कहानी पर आधारित है, टेनिस। और उसके बाद 24वां नंबर, फुटबॉल का ब्लैक पल पेले को कहा जाता है, जो अर्जेंटीना के रहने वाले थे, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। 26वां नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है, 3 से 18 साल। और उसके बाद आप बढ़िए 27वां नंबर, भारत G20 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, ऑप्शन बी करेक्ट। ब्रह्मविद मेघा पाटेकर के बारे में पूछा गया है, तो ये रही है किससे संबंधित, सरदार सरोवर परियोजना से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ओके। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो 3 राज्यों में फैला हुआ था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप 29 पे, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं, USA के, इनकी वाइफ भी वहीं की रहने वाली है, दोनों को ही मिला करके नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर आपको याद हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा गया, उन्हें किस फील्ड में दिया गया था नोबेल प्राइज, तो दिया गया था
साहित्य के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, और इनकी एक किताब थी गीतांजलि जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन थे वो जिन्हें ये प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 31 से 34 देखिए, यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है जिसको फिल करना है, तो 31 में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। 54 भरिए आप, उसके बाद 32 पे चलते हैं। 32 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए। और 33 की अगर हम बात करें तो 33 में आपका आंसर है डी, 81। उसके बाद 34 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन फिर से आपका है ए। देखिए 35, अलग कौन सा डिफरेंट बताना है, तो डिफरेंट यहाँ पर हो जाएगा जामुन जो बिना छीले खा लिया जाता है, बाकी तीनों को छीले खा जाता है। आलू, प्याज, लहसुन और गोभी में गोभी अलग है क्योंकि ये फ्लोवर होती है, फूल होती है। उसके बाद ईंट, मकान, बालू, सीमेंट में देखेंगे आप मकान बनाते हैं, बाकी सब तीनों चीज़ों से मिला करके। उसके बाद अभिनय अलग हो जाएगा, एक्टिंग, नृत्य और गीत संगीत उसके पार्ट हैं। ओके 39 देखिए, यहाँ पे कोई सीरीज दी हुई है। ओके नीचे दी गई संख्याओं में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पहले तो 6 आता है लेकिन बाद में नहीं आता, तो इसका आंसर आपका होगा 2। और उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे बताना है क्या आने वाला है 40 नंबर में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 1 2 1। डिटेल में जब आप वीडियो देखेंगे दूसरा, तो उसमें हम सब कुछ ट्रिक के साथ आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ 100% समझ में आने वाली चीज़ बताएंगे और आपको भी भूल भी नहीं पाएंगे। 41 देखेंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट है। 42 में आपका ऑप्शन फिर से डी करेक्ट है। और अब हम बढ़ते हैं आगे 43 पे। 16 दिसंबर 2020 को बुधवार था, तो 18 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? 20 से 21 में गए हम, दिन कहने का मतलब साल जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगले साल उसी डेट पे एक दिन बढ़ जाता है, ये तो रही ट्रिक। लेकिन इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा आपका सैटरडे, शनिवार। उसके बाद 44 देखिए, यहाँ पर आपका आंसर होगा शनिवार। अब वो 45 देखिए, कैसी से हम काटते हैं कपड़ा, तो ऐसे ही हम क्या उस तरह से हम काटेंगे दाढ़ी, तो ऑप्शन पहला बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद 46, एक लाइन में सरला पीछे से 10वें नंबर पे है, आगे से 16वें नंबर, दोनों को भाई ऐड कर दो और इसमें कर दो एक माइनस, टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये छोटी ट्रिक हम आपको बता दी, कभी भूलना मत। 47, संस्कृत भाषा में फैशन को हमने लिखा है फॉइशन, तो कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, फैशन का हमने लिखा फॉइशन, देखो फैशन ये था ना आपका FASHION। एफ को वहीं रहने दो, एन को वहीं रहने दो, ए की जगह ओ ले आओ, ओ की जगह ए ले जाओ, ओके एच को वहीं रहने दो, आई की जगह एस ले जाओ, एस की जगह आई, ये किया है इन्होंने, ऐसे ही आप कर लो, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा बी। ओके नेक्स्ट देखिए 45, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? आर। और उसके बाद 49 में कहता है, एक ब्लड रिलेशनशिप हुई है, ए का बेटा बी है, चलो इसी बार मान लेते हैं ए का बेटा बी है, तो ये दोनों अगली अगली पीढ़ी में पहुंच गए, अलग अलग पीढ़ी में, सॉरी ए पिछली पीढ़ी का, बी अगली पीढ़ी का। बी की बहन सी, सी के ऊपर माइनस निशान लगा दिया क्योंकि हम इसका जेंडर बता रहे हैं, डी का भाई है ए, अब डी यहाँ पर कोई है जो कि ए का भाई है, चलो ठीक है, ओके डी के पिता हैं ई, इन दोनों का बाप कौन है? ई, ए और डी का, तो ई से किस तरह से संबंधित है सी, तो ये पोती हो गई ना ई की, ये कौन हुआ दादा, ओके तो ऑप्शन डी करेक्ट। 50 से 51 फिर से देखिए, कुछ जानकारी दी गई है कौन किससे लंबा है, ऐसे करके एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे हम फट से आंसर बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं जानना बताना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ये पता चल जाएगा कि आयशा जो है इनमें सबसे लंबी है, कौन है? आयशा, ए फॉर आयशा। उसके बाद लंबाई जो है वो है जरीना की, ओके जे आर लिख दिया हमने इसको जरीना, उसके बाद लंबाई है जे एम की, जे एम कौन हो गया भाई यहाँ पे, जमीला, और उसके बाद एस के यानी कि शकीला की लंबाई है एस के, और एस के बाद सबसे छोटी जो है वो है आपकी रुबीना, रुबीना। अब हमसे पूछा गया है सबसे छोटा, तो ये रुबीना हो गई, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया पहले का 50 का। उसके बाद 51 में सबसे लंबा कौन है, तो ये हो गया आपकी आयशा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है जी। और 51 52 चलते हैं अब हम 52 पे, ओके तो ये डायरेक्शन बेस्ड सवाल है, और यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा बी, पश्चिम वेस्ट, ओके। उसके बाद चलते हैं 53, सभी खेल के मैदान शनिवार को बंद रहते हैं, सूरज फुटबॉल का खिलाड़ी है, सूचना के आधार उनमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और 54 पे चलिए, 54 पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, पतीला। उसके बाद 55 पे चलेंगे अपन, 55 में ये कुछ कंडीशन दी है, तो इस पे जब आप ऐसे ही लिखोगे इसको तो आपको आंसर मिलेगा 55 का डी। और उसके बाद किसके पास ई से एक सिक्का अधिक है, एक नहीं है तो सवाल थोड़ा ढाई सी लग रहा है मुझे, ये दो सिक्के अधिक होने चाहिए, और यहाँ पे 56 का आंसर सी बनेगा, 22 सिक्के होंगे इसके पास। ओके चलिए एनीवेज, उसके बाद हम चलते हैं 57 पे, यूरोप दोनों के पास कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं, 34 सिक्के हैं। ओके और अपन आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अब आएगा आपका 57 का, तो हमने आंसर कर दिया ना, 57 का ए ऑप्शन सही है। और उसके बाद 58 पे चलते हैं, सुधा के बाई तरफ कौन है, तो इसका सी आंसर सही है, सना। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, 58 पे सी हो गया, और 59 का जो आपका जेके भाई, सॉरी दाई तरफ कौन है जेके, तो ये होगा आपका सुधा। ओके जी, तो 59 तक के हमने यहाँ पे 60 का देख लेते हैं, सभा के दाई तरफ कौन है, इसको एक बार दोबारा नोट करिए। देखिए कुछ इस ढंग से सर्कल बना हुआ है, जहाँ पे ये कौन है, जय यहाँ पे है सपोज, ठीक है, उसके एक तरफ है राधा, राधा अगर यहाँ है, हिंदी में कहते हैं राधा। ओके उसके बाद ये है जय, और इधर है सुधा। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब कौन बचा, सना, सना यहाँ पे है, और सना के साथ सभा, सभा है यहाँ पे। अब देखिए पहला 58 सवाल कहता है सुधा के बाईं तरफ कौन है, सुधा कहाँ पे है जी, सुधा है, सुधा के बाईं तरफ, सुधा के बाईं तरफ जो होगा वह है जय। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाए 58 का, बी। ओके 58 का बी। उसके बाद 59 देखिए, जय के दाईं तरफ कौन है, तो जय के दाईं तरफ सुधा है, सुधा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 59 का। ओके और 60 में चलते हैं, सभा के दाईं तरफ कौन है, सभा के दाईं तरफ देखो सभा कहाँ पे, सभा ये है आपका, इसके दाईं तरफ कौन है, राधा, सभा के दाईं तरफ कौन है, राधा, राधा देखिए कौन सा ऑप्शन में, डी में, प्रॉपर डी करेक्ट हो जाएगा, 60 का डी करेक्ट हो गया। चलिए यहीं पर रोक देते हैं इस वीडियो में, 60 सवाल हमने कर लिए, बाकी बचे हुए सवाल हम दो पार्ट में और लेकर आएंगे, फटाफट लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।